अब उसका मुंह तोड़ के चल, इतना मार खाएगा ना। कब से बोल रही हूँ, अयान अगर किसी को प्यार करता है ना, वो सिर्फ अपने भाई को करता है। अयान को भी स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ मैं। वो तो दिल पक्का करना पड़ता है जब बच्चे को पहले दिन स्कूल भेजते हैं। आप सभी को मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, आलू जॉनी जॉनी, आजकल के बच्चों को इस चीज की अहमियत नहीं है। क्योंकि आज हम लेने वाले मेरी बुक्स बैग एंड पेंसिल बॉक्स। तो गाइस मेरे व्लॉग को पूरा देखा करो, स्किप मत करो और चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ ही मेरे बेल आइकन बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी आप व्लॉग डालते रहो, तीनों भाई बहन जो कि अभी घर पे, एक भाई दिल्ली है, तो सारी नोटिफिकेशन गाइस को मिलती रहे। बात यहाँ पे सबसे पूरे परिवार में ना सबसे पहले लड़की नहाती है। देखो नहा धो के फुल रेडी हो गई है। ये वही वाले कपड़े हैं जो मैं उस दिन मैक्स से लेके आई हूँ उसके लिए, 499 रुपए के, 499। हिचकी आ रही है, इसके पापा याद कर रहे हैं, मम्मी पापा भाई सब याद कर रहे हैं। भाभी इसको पता है घूमने जाएंगे, नहीं तो उसको लेके नहीं जाएंगे, इसलिए रेडी होके बैठ गई पहले। चुभ बजे उठ गई, भाई भी उठ गया। आजा अनु भाई को बुला लूं, अनु भाई आजा भाई, अनु भाई भाई भी आ गया। अनु भाई ये तो आज गाइस हम दो दिन से बच्चों के साथ ही सो रहे हैं ना, मैं चीकू और निकी, तो ये लड़का ना 5 बजे उठता है, 6 बजे उठता है, ऐसे उठ उठ के रोता है, फिर इसको दूध पिलाते हैं, फिर सो जाता है, फिर रोता है, फिर दूध पिलाते फिर सो जाता है। और दो दिन से ना शांति के पास बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि मैं इसके पास सो रही हूँ ना, तो शांति के पास ही जाता है। कह रही थी जब तक आप यहाँ पे सोगे मेरे पास आएगा ही। फिर मैंने इसको तो फिर मारने लग गई है यार, पहले उसके मुंह पे इतने निशान है। तू बहुत गंदी बात करती है बेटी, तू बहुत गंदी होती जा रही है, तू चल चल। पापू खा रहा है, चलो शुक्र। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को खिलाने के लिए। डॉक्टर बोलते हैं ना कि एक बच्चे को खिलाने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा लगता है, तो बस यही है। यहाँ पे तो 3-3 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा गोलू हैंडल कर रही है, दो मैं कर रही हूँ। आनू तो जैसे मैं बंद कर देती हूँ, हालांकि आनू को देखो, आनू गाइस घर में चल रहा है, बहुत सारा इंटीरियर डिजाइन हो रहा है घर में, क्योंकि सारे गद्दे जो है बाहर आ चुके हैं। 6 गद्दे थे, ये पूरे कमरे में से खाली कर दिया गया है। यहाँ पे ना ये भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है बच्चों के लिए, बच्चों का ना कमरा ऐसा मैसी मैसी गंदा गंदा सा। और कल की बात बताती हूँ कल क्या हुआ मेरे पास। परसों मैंने चटनी बनाई थी, चटनी है ना यहाँ कटोरी में रखी थी, अब मुझे नहीं पता तो मैंने वो कटोरी कब में उठाई, और यहाँ लाके ना वो उसने देखो यहाँ पे चटनी के पूरे निशान दिखे हुए। उस लड़की ने चटनी खाई है, सोचो, जिसमें 4 हरी मिर्ची थी, उसे चटनी खाई है और चटर चटर, क्योंकि उसने मीठा कच्चा मीठा आम भी था तो उसने खा गया। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरा रूम जो है रिनोवेट होने वाला है बच्चों की थीम से। और मैंने ये सोचा है कि ये जो प्लग है ना, ये प्लग बार बार अयान और तुबा ना हमेशा आके इसको निकालते हैं, या फिर कुछ और कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करा। मैं यहाँ पे रूम बनवा दूँ कभी? ये तेरा भी तो है, चारों का है। मेरा तो है मम्मा, इसमें तो सारे दिन बच्चे ही रहते हैं, मैं थोड़ी रहता हूँ, मेरे टॉय भी नहीं आया। चल तेरा रूम भी करवा, बताओ कौन सा मेरे रूम में। चल पहले पापा को आन दे, आज पापा से इस बार में डिस्कस करती हूँ। मैं गाड़ी वाला रूम बनवाऊंगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपनी यूनिफॉर्म लेने, और साथ ही साथ मैं बैग और पेंसिल बॉक्स और वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, और साथ ही मैं खाऊंगा KFC। भाभी चीकू ना अभी ना बैलून फुला रहा है। अच्छा, और होली चलेगी, अब होली मना रहा है। अब उसका मुंह तोड़ के चल, इतना मार खाएगा ना। कब से बोल रही हूँ कंघी कर ले, आंखों के आगे बाल रहते हैं। भाई बोला था ना तेरे को कि होली खत्म हो चुकी है, तू होली मना रहा है। और भाई ट्यूशन जा रहा है तू? मेरा बैग बुक तो ले भाभी। चीकू तो पढ़ इतने, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ। ये देखो भाभी बैलून फुला रहा है पूरे। तो भाई स्कूल बैग देखने आए थे, कल भी देखे थे, कल कुछ समझ नहीं आया, तो यहाँ पे देखने आए थे। यहाँ पे स्कूल बैग है ही नहीं, वो ट्रॉली वाला चाहिए मुझे, कि चीकू ना ऐसे कंधे पे लादना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कि बुक्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने सोचा टायर वाला लूंगी, पर वहाँ पे एक ही कलर था, वही सेम कलर इसने पिछले क्लास में भी लिया था, तो मैं सोच रही हूँ कलर दूसरा मिल जाए, पर यहाँ पे था ही नहीं। पहले ड्रेस लेने चलते हैं, फिर पैक करें। मैं अभी ले रहा हूँ अपना बैग और ड्रेस एंड वाटर बॉटल, लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स। जी मम्मा, एक्साइटिंग हो, कल से नई क्लास में जाओगे? यस मम्मा, अगर मेरे फ्रेंड्स नहीं होते, अगर मेरे फ्रेंड नहीं होते मैं दूसरी क्लास में, तो मैं तो बहुत सैड होता। अभी तो तेरे पुराने फ्रेंड्स ही ना तेरे साथ। हाँ, और थोड़े टाइम बाद तेरे भाई बहन भी जाएंगे तेरे स्कूल।
मैं अपनी उसमें ही करवाऊंगा। तेरी क्लास में? हाँ। ये तो छोटे हैं, तेरी क्लास में थोड़ी जाएंगे। हाँ। आप बैठते क्यों नहीं हो आनू? जब भी गाड़ी में आते हो आप खड़े ही रहते हो, खड़े ही रहते हो, खड़े ही रहते हो। मम्मा इतनी मुश्किल से आपको गड़ा गिर दी है। अनु ओए अनु, सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है अयान अगर किसी को प्यार करता है ना वो सिर्फ अपने भाई को करता है। सारा दिन इसके साथ, अगर ये साथ में होगा ना तो इसी के साथ खेलेगा। भाई इधर ही है शायद। तो भाई चीकू की यूनिफॉर्म ले लेते हैं। चीकू की सेकंड क्लास में चला गया है। शर्ट में थोड़ी लूज ही ले रही हूँ क्योंकि ना इसको ना कंफर्टेबल नहीं लगता, टाइट टाइट है ना। ठीक है ये साइज, ये थोड़ा छोटा नहीं बता। ठीक है अयान को भी स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ मैं। सोच रही हूँ इसको भी स्कूल साथ के साथ भेज रही हूँ। ये समझदार है तीनों में ना सबसे ज्यादा, तो ये बैठ जाएगा क्लास में भी। टीचर बिप पहनाते हैं इसके ऊपर, छोटे बच्चों की बिप होती है तो अभी पहना के देगी भाभी। वैसे भी ये ट्यूशन तो जाने लग गया। हाँ, अब इसको स्कूल की तैयारी तो करवानी पड़ेगी ना। अब डाल दो बटन बंद कर। भाभी ये तो लेनी बनती है, है? लेनी बनती है इसके लिए। वो देखे बच्ची आई है, देखती ये भी स्कूल जाएगी। निकी बहन तू भी स्कूल जाएगी? और क्या, किस किस को लेके जाएगी साथ में? बस हो गया अयान और तू भाभी। क्यों जैद नहीं जाएगा साथ में? इनकी सब देखभाल मैं करूंगी। तो जैद भी तो जाएगा साथ में? बन के जाएगी, पढ़ने जाएगी, पढ़ने जाऊंगी। तो जैद तो रहेगा, जैद को नहीं लेके जाएगी साथ? जैद भी बस हो गया। कंफर्ट है ना, छोटा बड़ा भी सॉक्स भी पहननी है। अच्छे से देख लो चीकू, सॉक्स तो भी बन जाएगी। तो फिर सॉक्स के हिसाब से लो ना बेटा। भाई शूज नंबर कौन से हैं? तीन नंबर हो गया यार। तीन नंबर नहीं है आपका, पांच नंबर अच्छा तो, क्योंकि आप मेरे शूज भी पहन लेते हो। पांच नंबर ये मेरे शूज भी पहनता है ना। तो ये लड़का स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए अपने ने कड़े निकाल दिए कि स्कूल में ना कड़े अच्छे नहीं लगते। यही छोड़ के जा रहा था भैया ने दिया अभी ला के, तेरी निशानी छोड़ के जा रहा है यहाँ पे। अभी स्कूल नहीं जाना, अभी टाइम है, अभी मस्ती करो घर में। कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ट्यूशन का होमवर्क नहीं। गिनती बहुत अच्छी है भाभी, जब इनको जाना पड़ेगा ना तभी ये जाएंगे नहीं। अभी ये डेली ट्यूशन जा रहा है और जब इसको पढ़ना होगा ना तभी नहीं जाएगा। हाँ। चीकू की तरह करेगा, आज छुट्टी कर लो मम्मा प्लीज, 10 मिनट सोने दो मम्मा, बस 10 मिनट। मैंने निकी के साथ ना उसको अयान को भेजा, मैंने कहा ध्यान दीजिए कभी कोई छींक ले जाए। कह रही नहीं नहीं, मैंने कहा नीचे छोड़ के आऊँ। कह रही निकी को खुद बच्ची सी है, छोटी सी। एक काम कर तू पीछे पीछे चला जा भाई, जाता। तो भाभी ने निकी को और अयान को गाड़ी में छोड़ने के लिए मेरे को भेजा, तो आपको मैं चलो गाड़ी में छोड़ के आता हूँ। दोनों अच्छे से बैठ के ना, भाभी तो बोल रही है भी जा सकती हूँ, जल्दी नहीं देता कोई। तो इस बार मैंने ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं लिया है क्योंकि पिछली बार वाली भी यूनिफॉर्म भी काम आ जाएगी। और थोड़ा सा चिप्स वगैरह ले लेती हूँ क्योंकि अयान और सुबह तो ये ड्राइवर मुझे पसंद नहीं है, इस ड्राइवर को पीछे भेज दो। ये ऐसे बंदर की तरह चलो चल के गाड़ी चलाएगा, मुझे नहीं बैठना इसकी गाड़ी पे। तू बार हमसे सोई अनु, चलो पीछे जी नहीं, छोड़ी पीछे पीछे आओ। अब स्कूल जाओगे इसका मतलब ये थोड़ी है तुम गाड़ी चलाओगे। मैं चलाऊंगा। अनु पीछे आ बेटे, ये कितना मैं साइड करूंगा बंदे, हट जा हट जा। सच में इतना क्यूट लग रहा था ना स्कूल यूनिफॉर्म में, ऐसा लग रहा था इसको स्कूल ही भेज दूं। पर अभी साल भर का भी नहीं हुआ। चीकू जो है स्कूल जाने लगा था वो जब मतलब प्ले स्कूल में मैंने डाला था वो 20 महीने का था। ये बच्चे भी जब 20 महीने के होने लग जाएंगे ना, हो जाएंगे, तब मैं इनको भी प्ले स्कूल में डालूंगी ताकि इनको बैठना आ जाए स्कूल में। मतलब माँ बाप को छोड़ के कैसे बैठते हैं, बहुत दिल पक्का करना पड़ता है जब बच्चे को पहले दिन स्कूल भेजते हैं कि वो क्या खाएगा, वो क्या करेगा, वो रोएगा तो नहीं, वो सारी चीजें आती है माँ बाप के दिमाग में। ये ड्राइवर भेज दो पीछे। ड्राइवर साहब कितना मैं चलाऊंगा? अनु नो पीछे आओ, ये गाड़ी खुद मोड़ रहा है। तू घर से खाना खा के आया था ना बेटे? नहीं, थप्पड़ ऐसा मारूंगी उसके प्याज के परांठे खा के आया था। वॉशरूम कर दिया सारा निकल गया मेरा सामान। खाना थोड़ी वॉशरूम से निकलता है, वॉशरूम करा था खाना निकल गया। आगे ड्राइवर साहब पीछे, अभी ड्राइवर साहब बिल्कुल नहीं बैठेंगे, इनको आगे ही बैठना है। ड्राइवर साहब अभी आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, चलानी गाड़ी कितनी चलानी हो। अभी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा मत कर भाई। कौन सी ब्रांड है? मार्बल शो अच्छा होता है। ये वो दिखाना, वो वाला खुलवा, वो ज्यादा अच्छा है। बॉटल देख ले जल्दी जल्दी जल्दी, अपनी सिलेक्ट कर ले जो सिलेक्ट करना है फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा से ले ले यार, ये वाला देख ग्रीन कलर का कितना प्यारा है देख। अरे ये सब यूज नहीं होती मम्मा, कोई ये देख नीचे वाला देख तो सही, वो जब बैग देख पहले। भाई आई हूँ तो बच्चों के लिए भी सामान ले लेती हूँ क्योंकि पैसिफायर ना मंगवाए थे तो इन लोगों से ना गलत ले आए थे लोग, ये दोनों लेते ही नहीं है वो पैसिफायर। भाभी यहीं से लेके गए थे वो भी, ये वाला नहीं चाहिए मुझे ना, एक दूसरा वाला आता है ना वो चाहिए, दिखाना दूसरा वाला, ये नहीं चाहिए। निपल्स भी दे दो, मैं बॉटल बच्चों की चेंज कर रही हूँ, कहते हैं हर 3 महीने में ना जो प्लास्टिक होता है वो चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 6 बॉटल ले लिए, दो दो करके, दो उसके दो उसके दो उसके, और साथ में उनके ऊपर के निपल्स भी अलग से ले लिए। 2 पैसिफायर लिए क्योंकि जैद लेता नहीं है पैसिफायर,
ये दोनों सोते हुए लेते हैं, तो सारे पैसे पर पुराने वाले हटा दूंगी। एयान भाई आप क्या ले रहे हो? भाभी इसको देखो। अनु मैंने आपको दो मिनट के लिए उतारा था, आपने दो मिनट में यहाँ पे क्या कबाड़ा कर दिया बेटे? ऐसे थोड़ी करते हैं। भाभी ये बोल रहे हैं मैं भी अपनी चीज लूंगा, क्या लेना बताओ? ये पता नहीं ये पसंद कर रहा है इनमें से। आनु के लिए ग्लॉक्स, क्योंकि टूबा भाई बहन भी नहीं है, जैन भाई भी नहीं है, तो आपको आ जाएगी तो उन दोनों को भी आ जाएगी। देखिए कैसे लग रही है भाभी? अच्छी लग रही है वैसे। बड़ी है? बड़ी है, इसको इससे छोटा साइज चाहिए। ये कितने क्यूट है देखना। कौन सी ज्यादा अच्छी है कौन सी ज्यादा अच्छी है, पर दोनों बड़ी हैं। बड़ी है ना भाई, नहीं आएंगी। आयानु थोड़ा सा पैर और बड़ा कर लो, पैर बड़ा करो भाई, बड़ा कर लो, फिर मम्मा पे आएगी। चलो चिको गोदी में ले रखा था, देख कहाँ से कहाँ टक गया भाभी। ये पर्स पकड़ रहा है आपका, आ नहीं रहा। पर्स की पकड़ना भाई अभी से ही। गंदी बात करते हो, पर्स पकड़ के कहाँ जाओगे? पीटा करे मम्मा। आनो आनो, ये बात नहीं सुनता भाभी ऐसी। लो बिल कराना, बिल कराना। कहाँ से कराओगे बिल? कराओ, पैसे दो। नहीं करना पैसे देने। चलो तो चीकू भाई जी, आज तेरी शॉपिंग तो होगी, स्कूल ड्रेस वगैरह सब कुछ हो गया, तो अब तेरे को ट्यूशन छोड़ के आते हैं, और फिर आते ही तेरा बैग पैक करेंगे। कल तूने स्कूल जाना है ना भाई? हाँ मेरे को कल स्कूल जाना है। तो फिर अपने फ्रेंड्स से मिलेगा, कैसा लगेगा तेरे को? बहुत अच्छा। चलो ठीक है, कल देखते हैं। मॉर्निंग में टाइम से उठेगा तू, और टाइम से रेडी हो जाओ, फिर तेरा भाई तेरे को स्कूल छोड़ के आएगा, ठीक है? ओके ब्रो। तो चीकू भाई आ चुका है ट्यूशन। हाँ जी। तो सुबह सारा कुछ नया होगा चीकू भाई के पास, स्कूल यूनिफॉर्म से लेके शूज से लेके बैग तक। हाँ, और वाटर बॉटल, लंच बॉक्स लेके, सब कुछ भाई नया है, लंच बॉक्स तक सब कुछ नया है। चीकू भाई बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने नए बैग से चेंज करूंगा। नए बैग से क्या चेंज करें? पुराने बैग को नए बैग में चेंज करूंगा। हाँ। और बुक्स लगाऊंगा, और जितनी बुक्स रह गई है उन पे कवर चढ़ाना है। एक बात बताओ, जितनी किताबों पे आप जिल्द लेके आए थे मैंने जिल्द चढ़ा दी, अब जो किताबों पे नई जिल्द लगा उनके कवर कौन लाएगा? आप जाते यार। मुझे याद दे रहा यार, तू बताता नहीं है भाई। मैं याद था मेरे को, तो बताया नहीं आपने मेरे को। दिमाग में सेट था, दिमाग मैं सेटल नहीं था, दिमाग में सेटल। कहाँ कहाँ रोक रहे हो, मैं तेरा पे जाना करना चाह रहे हो? तो गाइस अभी अभी हमने चीकू को लेके गए थे दांत वाले डॉक्टर के पास, जैसा कि आपको पता है उसके दांत की सर्जरी होनी है। तो आ करो बेटे, इसके लिए वन टीथ इधर दिखाओ, टू थ्री टीथ इसके जो है वो खराब है। तो आज जितने भी बच्चे चीकू का ब्लॉग देखते हैं, आप सभी को मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, बच्चों बाहर का मीठा मत खाया करो, दांत खराब जाते हैं। और दिन में दो बार, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना। चीकू की आदत पहले थी पर वो इसे छोड़ दी, इसकी आदत फिर से मैं दोबारा बनाऊंगी कि रात को सोने से पहले भी ब्रश करे। गाइस आनू ने एक और चीज सीखी है, मैं आपको आपके सामने दिखाती हूँ। आनू जॉनी जॉनी, यस पापा, जॉनी जॉनी, यस पापा, जॉनी जॉनी, मेरा बच्चा सीख गया, जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी यस पापा, सब से ज्यादा समझदार है, बिल्कुल चीकू की तरह है। क्या तक मम्मा आपके लिए कुछ लाई है, दिखाऊं? दिखाती हूँ। चीकू भाई क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं भाभी, ये कुछ कर रहा है चक्कू से, पिटेगा इसे पास पे। क्या अभी तो देखा था तेरे पास? झूठ नहीं, झूठ जो बोलता है पिटता है। नहीं भाई मेरे पास था, गलती होगी भाई, सॉरी। ये क्या है? अरे ये क्या है? था नीचे, चोरी पकड़ी गई चीकू भाई। कैसे पकड़ी गई? तूने चक्कू फेंक दिया था और खुद ही उठा लिया वो बाद में। एक रुपये कौन रुपये गिर जाता? आयानू दीदी पकड़ना एक बार, और चक्कू रखा हुआ था इसके मांग भी देखा। दीदी एक बार चक्कू साइड पे रखो, दिखाओ। आनू देख मम्मा गिफ्ट लाई, ये तो भाभी कहीं और तैयारी है, नीचे जाने की तैयारी है। देख ले, देख ले। आनू इधर आओ। मेरा सबसे पहला क्या है? चीकू नानी आपके लिए लेकर आई, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं दिखाती हूँ। ठीक, दिखाती हूँ। सबसे पहले ये स्पिनर, ये डायरी, बेबलेट, योयो, और पिगी बैंक, गुल्लक, और सारी हॉट व्हील्स की गाड़ी, और जेली का डब्बा, और चॉकलेट, और ये अयान टूबा और जैन के लिए पुपड़ी। बातें बाला बालो गोलू सुन, ये सारी चॉकलेट ना चीना को दे आई हो, ठीक है? इसके दांत में कीड़े हैं, इसकी सर्जरी है दांत की। हाँ तो ये टूबा अयान जैद खा लेंगे, इनके तो अभी दांत नहीं है, कहाँ खराब होंगे। पिपड़ी बस्ती है क्या? वैसे मैं कैंडी नहीं खाता। अब कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम जा रहे हैं
इतने सारे टॉय, पाला माल हो जाऊंगा, पाला माल। तू 8 साल 9 साल का होने वाला है यार, 9 साल का बचपना नहीं गया तेरे अंदर? 9 साल में थोड़ी होता है बचपना, मुझे क्या पढ़ना है, क्या लिखना है? मम्मा सारे मेरे को बोलते हैं मैं अभी 8 का हूँ, 8 के हो गए अब 9 में लग गए। तो सारे क्यों बोलते हैं? देख देख 16 में हुआ था 2016 तो गिनते नहीं हूँ, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये हो गया, मतलब तू 24वां चल रहा है ना। हाँ जी। तो 8 साल का कंप्लीट होके 9 में लगेगा। 9 में कब लगूंगा? 5 महीने के बाद। भाई अब तू टॉय छोड़ दे चिकू। मैं नहीं छोड़ूंगा यार, मेरे जान है टॉय यार। जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा जब तक छोड़ूंगा नहीं। चिकू भाई अब कोई नई जान बना, ये जान छोड़ दे, टॉय जान नहीं। अब कैमरा जान बना ना, टॉय जान है, मेरी जान है। तू क्या बनना चाहता है? इसको जान बना। मैं बनना चाहता हूँ शूटर। शूटर? ये भाभी शूटर बनेगा। तो उसमें इंटरेस्ट दिखाओ, अपनी शूटिंग क्लास ज्वाइन करो, पढ़ाई नहीं करनी? तो गाइस मैं भी फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, बहुत ही उस तरीके वाले मैंने जूते पूरा बहुत अच्छे भी, क्योंकि ना इसमें ना उसका झंझट ही नहीं है, मतलब लेसेस बांधने का, बस ये करा अपना लेसेस बन जाएंगे अपने आप। और अपने बच्चों को नीचे फुटबॉल खेलने से मना मत करना, क्योंकि उससे हम पतले होते हैं। तो गाइस मैं अभी अपने इतने दिन से जूते पहन रहा हूँ, बहुत गंदे हो गए मेरे जूते, क्योंकि फुटबॉल में ना हमको भागना होता है और फुटबॉल को किक कराना होता है, क्योंकि फुटबॉल बहुत गंदी हो जाती है, इसलिए हमारे जूते भी भाग भाग के गंदे हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे जो इतने गंदे हैं, मैं गिरता पड़ता हूँ ना तो ऊपर के भी गंदे हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि जब भी मैं को खेलना होगा ना उसके बाद धोऊंगा ही नहीं, जब हमारी बंद हो जाएगी ना 6-7 साल बाद धोऊंगा, ठीक है? मुझे कितने साल बाद? 6-7 साल। इतना टाइम डाल लेगा एक शूज? वाह क्या बात है चिकू। तो गाइस हम सब सबके लिए बहुत अच्छा सा रूम बना रहे हैं, वही कैसे रख रहे हैं फट्टे ये रख। भाई अभी रेडी हो रहा है ना चिकू भाई? हाँ। तो रेडी हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ना सब कुछ ग्रास बनवाएगी। क्या बनेगा? ग्रास। ग्रास नहीं, देखो ये फोम ही लगेगी ऐसी जैसी पहले लगेगी, ठीक, पर अब अच्छी वाली लगेगी। कैसे? थोड़े अच्छे वाली लगाएंगे ना, और बढ़िया वाली, मतलब वो वाली फेंक देंगे? नहीं वो भी लगाएंगे, वो भी यूज कर लेंगे और भी लगाएंगे, यानी कि अच्छा सा रूम तैयार करेंगे मस्त सा। ना ना ये वाली फेंक देते हैं, एक मेरे को दे देना अपना, उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। आपको बता देना कि मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। चल ठीक है मैं बता दूंगा, और ध्यान से रहियो, ठीक है? अच्छे से खेलियो, चोट वोट मत खाइयो, ठीक है? मैं किसी को नीचे भेज रहा हूँ। नहीं नहीं मेरे को छोड़ ही दो। तो भाई चीकू तो गया है गेम खेलने, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बैग को सेट कर दूं, लेकिन अभी अभी मुझे न्यूज मिली है कि कल से स्कूल नहीं है चीकू का, परसों से स्कूल है। तो कल शायद उसकी ना स्टेशनरी सारी जो है मुझे वहाँ पे लेके आनी पड़ेगी, और इसकी भाई जितने उसमें कवर रह गए ना वो कवर भी लगा लेंगे। हाँ जी भाभी सुबह ले आएंगे फिर। सुबह नहीं अभी ला दे, मैं इसका पूरा बैग। किसका फोन है? मैम का लेना। भाभी यहाँ पास में नहीं मिलेगी ना, वहीं से मिलेगी ट्यूशन के पास से। भाई तेरा मैं करवा दूंगी एडमिशन, भाई करवा दूंगी, भाई भाई के किताबों से दूर रहा भाई, उसको पता लगेगा ना आप किताबें खराब कर रहे हो वो मेरे सर पे चढ़ जाएगा बेटे। ये ले ले, अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए से, लो। भाभी चीकू की हैंड राइटिंग सुधारने के लिए वो ला देना आप बुक्स। अरे फील भाई करने ये करे तो मैं सब कुछ कर दूँ, ये स्कूल और ट्यूशन चला जाता है वो ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लड़का करता ही तो नहीं है कुछ। अब भी नीचे गया घूमने, बैग में सेट कर रही हूँ। कोई नहीं भाभी समझ जाएगा तेरे। हैप्पी बर्थडे वाली लिस्ट कौन लगाता है भाई? पता नहीं ये कौन, ये वहीं से मिला ना जहाँ से ये पूरा मिला है। हैप्पी बर्थडे का दिया उन्होंने, दे दिया होगा उन्होंने। हैप्पी बर्थडे का थोड़ी लगाते हैं, नाम स्लिप लगाते हैं। चल अब तुम ले आए तो, लेकिन ये बर्थडे वाली इस पे थोड़ी लगाऊंगी, इस पागल ने बर्थडे वाली सब पे लगा रखी है, हटानी पड़ेंगी। इसकी स्कूल से मिली थी, उसमें पड़ी होंगी, देखती होंगी। तो गाइस जब अपने दिन याद आते हैं ना, जब हम स्कूल जाते थे तो ना पुराने बैग यूज करते थे मैं अपनी बहन के, हम मतलब मेरी बहनों के पास भी पुराने, जैसे कोई आंटी जिनका हम दूध देते थे ना उनके बच्चे अपने पुराने बैग छोड़ देते थे ना एक साल, जैसे नई क्लास में हम चीकू को दिलाते हैं वैसे आंटी अपने बच्चों के लिए दिलाती थी, जो पुराने बैग छोड़ देते थे ना वो हमें मिल जाते थे, वो बैग हम यूज करते थे। ऐसा नहीं पापा ने दिलाए नहीं, पापा ने भी दिलाए हैं, पर हम 6-6 बहन भाई थे, पापा की इतनी इनकम नहीं थी उस टाइम पे, तो फिर भी पापा ने हमें पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ किया हमारे लिए हमारी जिंदगी में, जो आज हम इतने सक्सेस हैं क्योंकि पापा की परवरिश, मम्मी का प्यार, उसी वजह से। तो बस आजकल के बच्चों को इस चीज़ की अहमियत नहीं है, पर हमें अहमियत की है, बहुत अहमियत थी अपने माँ बाप की, आज भी है। ये देखिए एक और आगे स्कूल जाने वाले। हाँ बेटू अपने भी दोनों ने जाना स्कूल, दोनों जाएंगे स्कूल। हाँ अयान तू तो भाई ट्यूशन जाता है ना, अब स्कूल भी लगा दे तेरे साथ में। यूनिफॉर्म लेके आई मैं इसकी, डेली जाएगा ट्यूशन, लग जाएगा स्कूल। इसके ज्योमेट्री बॉक्स में तो देख ले क्या क्या है,
अच्छा ये पहाड़े लिखने वाला है बता क्या क्या टेबल वाला है वो पहले क्या क्या पहले ये सब कुछ नहीं सब कुछ खुद करना पड़ता था भाभी यहाँ पे तो पहाड़े लिखने की मशीन तक आ गई हाँ पहले टायर निकाल दे अनु निकाल दो बेटे टायर निकाल के फेंको बाहर हाँ बेटू ये देखो कहा चाहिए लो भाभी इसको बैग ही दे दो पूरा ये बैग लेने आ रही है अपनी तू टांग ले आजा तेरे बैग टांगो तेरे छोटे छोटे कंधों पे इतने बड़े बैग का बोझ डालती है चलो टुबू चलो स्कूल चले हम टांगो टुबू रानी स्कूल जा रही है लो जी टुबू रानी भी तैयार होगी स्कूल जाने के लिए इसकी खुद की हाइट है जितने बड़ा बैग है उतनी बड़ी हाइट है अभी जी हाँ जी मैं चीकू को लेने जाऊँ नीचे ले आ भाई टाइम से ले आ टाइम से सोएंगे आज दो तीन दिन हो गए टाइम से नहीं सो रहे और कल उसको बताइए मत स्कूल नहीं जाना है मैं उसको बोलूंगी स्कूल जाना तब वो टाइम से सोएगा ठीक है भाभी गाइस मुझे मैं फिर मैं खाते हैं बाय बाय सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।